बॉलीवुड से इस वक्त चौंकाने वाली खबर आ रही है। अमिताभ बच्चन की बहू यानी ऐश्वर्या राय को ईडी की ओर से समन भेजा गया। आज दिल्ली में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इस बात को लेकर अमिताभ बच्चन के घर में कोहराम मच गया है। पूरे बॉलीवुड में लेकर इस बात को सनसनी फैल गई। आज दिल्ली के लोक नायक भवन के सामने ऐश्वर्या राय को पेश किया जाएगा। नाम पेपर्स मामले में ईडी ऐश्वर्या राय से पूछताछ करेगी। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारी ने ऐश्वर्या राय से पूछे जाने वाले सवालों की लिस्ट भी तैयार कर ली है। पेपर लीक में अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय समेत कई भारतीय हस्तियों के नाम शामिल हैं। सभी लोगों पर टैक्स के धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। दरअसल पनामा पेपर लीक मामले में एक मोसैक फोंसेका लीगल दस्तावेज लीक हुए। ये डेटा जर्मनी न्यूज़पेपर दूतसे टितुंग ने पनामा पेपर नाम से 3 अप्रैल 2016 को रिलीज किया था। इसमें 190 से ज्यादा देशों के राजनेता, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटी के भी नाम शामिल थे जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे थे। इसमें 1977 से लेकर 2015 के अंत तक की जानकारी दी गई थी। दस्तावेज में फिल्मी सितारे और उद्योगपतियों सहित 500 भारतीयों के नाम शामिल हैं। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था। दावा किया गया कि ऐश्वर्या राय ने देश के बाहर एक कंपनी के डायरेक्टर और शेयर होल्डर थी। ऐश्वर्या के अलावा उनके पति, माँ और भाई भी कंपनी में उनके पार्टनर थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि पनामा पेपर लीक मामले में भारत से संबंधित लोगों का कुल 20,000 करोड़ रुपए की उद्योग संपत्ति का पता चला है। खबरों की माने तो ऐश्वर्या राय को समन जारी किया गया था जिसमें उन्हें 15 दिन के भीतर जवाब देने को कहा गया था, लेकिन ऐश्वर्या राय ने तब मेल के जरिए अपना जवाब भेजा था। इसके बाद अब उन्हें दोबारा समन भेजकर दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अब देखना होगा कि ऐश्वर्या राय अब क्या जवाब देती है। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.